अब जो बेटे हमें चैप्टर शुरू करना है वो करना है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर होगा 9। बट उसको शुरू करने से पहले बेटे हमें SHM के बारे में मालूम होना चाहिए कि SHM होता क्या है। बेसिकली आपने लास्ट 11th के अंदर चैप्टर पढ़ रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बेटे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मालूम होना चाहिए। याद कर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन थी जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा था वो हमेशा ही एक फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहा था। बेसिकली क्या था बेटे, मैंने आपको समझाया था कि जो पार्टिकल होता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेट करता रहता है अपने एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में। सपोज कर कि आपके पास बेटा ये पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल है ना, बेसिकली ये जो पार्टिकल है बेटे ऑसिलेट कर रहा है इस लाइन के अलोंग में। अब इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स इक्वेशन लगेगा वो लगेगा बेटे एफ बराबर माइनस के इंटू में एक्स, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से की थी। ओके, तो बेटे ध्यान से सुन, जिस पॉइंट के तरफ, मतलब ये पार्टिकल है तो वो इस वाले पॉइंट के तरफ क्या कर रहा है बेटे, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है भाई साहब, ध्यान से सुनिए बेटे, क्या कि वो पक्का इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। इमेजिन कर बेटे कि इसमें जो फोर्स लगता है ना, ये वाला फोर्स लगता है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगता है, और इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटे, मेन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं भाई साहब। अब ये पार्टिकल मैक्सिमम मेन पोजीशन से कितना दूर जाता है उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मैं आपको जस्ट रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इधर क्या बेटे, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको मालूम पड़ गया। और वो जो एम्पलीट्यूड मैं लेता था, याद कर बेटे, वो मैं लेता था स्मॉल ए, कितना ले रहा था, स्मॉल ए एम्पलीट्यूड ले रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुन बेटे, ये इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा। इमेजिन कर कि जो फोर्स लगता है ना बेटे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो हमेशा ही इस फिक्स पॉइंट या फिर मेन पोजीशन की तरफ लगता है। कैसे, अगर तेरा पार्टिकल बेटे राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में जो तेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो तेरी स्मॉल एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है उस फिक्स वाले पॉइंट से, तो जो तेरी डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्वियस सी बात है बेटे राइट साइड में वो पॉजिटिव होगी। अगर तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो एफ क्या बेटे तेरे पास, ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि के तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है। एफ नेगेटिव मतलब क्या है कि जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड के अंदर लगने वाला है, ठीक है, तो मतलब वो इस पॉइंट की तरफ लग रहा है। सिमिलरली अगर तेरा पार्टिकल लेफ्ट साइड में जाएगा मतलब ये जो पार्टिकल तेरा लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जैसे ही वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो x का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा बेटे, नेगेटिव बनेगा मैग्नीट्यूड वाइज। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इस मेन पोजीशन की तरफ से, तो जो x नेगेटिव, तो उसका मतलब क्या बेटे, आप जैसे ही x का वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो कितना बने बेटे, पॉजिटिव। तो f कितना बेटे, किधर में आया वो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब जो f लगेगा वो राइट साइड में लगेगा, मतलब वापस से जो पॉइंट होगा, वापस जो फोर्स लगने वाला है वो हमेशा ही इस फिक्स पॉइंट की तरफ लगने वाला है। इस तरह की जो मोशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ना ये जो चैप्टर है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ध्यान से सुनियो क्या कि ये जो लेक्चर मैं आज कर रहा हूँ ये मेरा कंबाइंड लेक्चर है, मतलब यही चीज़ मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन में करनी है, यही चीज़ मुझे अल्टरनेटिंग करंट में करनी है, और यही चीज़ मुझे किस में करनी है बेटे, वेव ऑप्टिक्स में करनी है। तो बेसिकली ये सारे के सारे चैप्टर क्या है, इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो आपको यही चीज़ आपको कहाँ पर भी करनी पड़ेगी बेटे, आपको करनी पड़ेगी कहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर करनी पड़ेगी बेटे, अल्टरनेटिंग करंट में, जो कि आपका 7th चैप्टर था, वहाँ पे भी आपने इस चीज़ को किया होगा पक्का, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपको अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटे। मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ, याद कर कि ये पार्टिकल ना जितने टाइम में अपनी एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरी करता है उसको, उस टाइम को हम उसका टाइम पीरियड बोलते थे, और उसको हम लिखते थे कैपिटल टी से, आप सभी को ध्यान होगा तो, ठीक है। एक सेकंड के अंदर ये कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती थी, और फ्रिक्वेंसी को हम लिखते थे बेटे एफ। क्लियर है मेरी बात। तो बेसिकली जो आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1/T होती है, किसके बराबर होती है बेटे, 1/T के बराबर होती है, ठीक है।
इस SHM का जो इक्वेशन आया था, इस SHM का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आया था वो याद कर, वो कुछ ना कुछ इस तरह से आया था, y बराबर a एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा इंटू में टी। ओमेगा क्या बेटे यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब आप बोलोगे कि सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ध्यान से सुन, अगर तुझे ध्यान है तो मैंने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को ना, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैंने एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर लिया था। बेसिकली आप अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो, आप अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो बेटे, तो उस मोशन को हम, मतलब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, इस मोशन को हम रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका था। क्या था बेटे? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। अगर आपको ध्यान है तो ध्यान से सुनिए बेटे, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि आपके पार्टिकल ने कितनी बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करा है एक सेकंड के अंदर। ऐसे इमेजिन कर कि कोई पार्टिकल है बेटे, वो सर्कल के अंदर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऑब्वियस बात है बेटे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं इसके लिए ना एक टर्म डिफाइन करता था, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिफाइन करेंगे। तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी था वो क्या था बेटे? वो होता था डी थीटा डिवाइड बाय में डी टी। मतलब डी थीटा डिवाइड बाय में डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल। इमेजिन कर कि ये जो पार्टिकल है अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करता है कैपिटल टी टाइम में, तो वो कितना एंगल ट्रेस कर लेगा भाई साहब? वो ट्रेस कर लेगा 2 पाई डिवाइड बाय में कितना बेटे? टी टाइम। कितना लिया उसने? टी टाइम लिया। अगर वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करता है अपने पूरे टाइम पीरियड टी के अंदर, तो जो उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर उसका जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगा वो कितना बनेगा बेटे? 2 पाई बाय में टी बन जाना चाहिए। कितना बनेगा? 2 पाई बाय में टी बनेगा। अब आपको मालूम है कि यहाँ से जो ओमेगा है वो किसके बराबर बना बेटे? वो बना 2 पाई 1 ओवर टी होता है कितना बेटे? एफ। कितना होता है? एफ। एफ क्या है कि एक सेकंड के अंदर इसने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूरे करे हैं, वो तो उसका फ्रिक्वेंसी है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या बेटे? कि एक सेकंड के अंदर इसने कितनी बार 2 पाई एंगल ट्रेस करा है, वो उसका क्या बन जाएगा बेटे? एंगुलर फ्रिक्वेंसी बन जाएगा। क्या बनेगा उसका? एंगुलर फ्रिक्वेंसी बन जाएगा। होप आपको कि ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसिकली ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पार्टिकल का इस मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है बेटे। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है ये। स्मॉल टी क्या बेटे? ये कुछ भी टाइम हो सकता है। जैसे मान लो ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी मैंने माना कि जो ये पार्टिकल है ना एक सेकेंड के अंदर अपनी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरी करता है। मतलब यहाँ से ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जो 1 सेकंड होगा ना वो इस SHM का टाइम पीरियड होगा। बट ये जो स्मॉल टी हमें ये शो करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, कोई पर्टिकुलर टाइम, सपोज कर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, इन पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल का मेन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ साथ। अब हम याद करो बेटे, मैंने आपको ये समझाया था कि जरूरी नहीं है कि हमारा पार्टिकल हमेशा ही यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, हैं, यहाँ से भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। तो उस केस में जो हमारे पास इक्वेशन आती थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, वो याद करो कितनी आती थी बेटे? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव। मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाने वाला, बस इतना ध्यान रख कि अगर तेरा पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो फाइव का वैल्यू जीरो हो जाता है। बट अगर मान ले, इसको मैं बोलता हूँ फाइव, क्या बोलता हूँ उसको मैं? फाइव होता है फेज। क्या होता है? फेज। फाइव क्या बोलते हैं बेटे? फेज बोलते हैं। अगर पार्टिकल और कहीं से स्टार्ट करेगा और इस मेन पोजीशन के अराउंड में क्या करने की कोशिश करेगा बेटे? SHM करने की कोशिश करेगा, तो उस दरमियान इसका जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो ये वाला लिखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? फाइव क्या बेटे? फेज है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब इमेजिन कर बेटे, मुझे पढ़ना जो मेरे काम का टॉपिक है वो है मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, कि कॉम्बिनेशन ऑफ SHM होता क्या है। तो प्लीज़ आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM क्या होता है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख भाई, हम क्या है इस कॉम्बिनेशन ऑफ SHM को पढ़ने से पहले, होप आपको कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो आता होगा। क्या आता होगा बेटे? वो आता होगा। कैसे है वो, सोच के देखे भाई साहब, क्या है?
तुझे मालूम है कि सपोज कर बेटे आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई? ये ए वेक्टर है। उस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड तूने माना है वो कितना माना बेटे? तूने स्मॉल ए मान लिया, ठीक है। ये कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई? ये आपके पास है बी वेक्टर। इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने कितना मान लिया? स्मॉल बी मान लिया, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो मुझे इन दोनों वेक्टर का सम करना है। सम मतलब इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब कि मैं इन दोनों वेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाना चाहता हूँ। वो क्या होता है बेटे? उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है। वो आप कैसे बनाते हो? आप क्या करोगे, इन दोनों साइड से ना, मतलब मैं इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओगे तो कुछ ना कुछ वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो याद करो, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में क्या है कि अगर आपके पास आप दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पे रिप्रेजेंट करते हो तो उसका जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है बेटे, वो एक तरह से तेरा किसका काम करता है भाई? वो करता है रिजल्टेंट वेक्टर की तरह काम, रिजल्टेंट वेक्टर की तरह, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है क्या बेटे? अंडर रूट ऑफ एक ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली ये होता है उसका बेटे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और जो रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ एंगल जो बनाता है उसको मैं बोलता हूँ बेटे अल्फा। और जो टेंजेंट ऑफ अल्फा आया था आपके पास, वो आपके पास आया था बेसिकली, याद कर वो आया था बेटे कितना? बी साइन थीटा डिवाइड बाय में ए प्लस में बी कॉस ऑफ थीटा। होप आपको कि ये चीज़ याद होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है। कहाँ पे यूज़ होने वाली है मेरे लिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बेटे यूज़ होने वाला है? कैसे? अब इमेजिन कर कि जो मेरा पार्टिकल था ना भाई, वो SHM कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था? इस मेन पोजीशन के अराउंड में, ठीक है, कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, ऐसे कर रहा था। तो सपोज कर कि जो SHM करता है इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा था। वो जो फोर्स लिखा जाता था, जनरल जो इक्वेशन था वो F = -KK(max) था। इमेजिन कर बेटे कि जब वो F = -KK(x) एक सिंगल फोर्स लग रहा था, उस टाइम इसका जो इक्वेशन था ना वो ये वाला था। कौन सा था? ये वाला था। बट कहीं से भी उसका जो जनरल डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन था वो ये वाला था। अब मान ले कहीं और से कोई दूसरा फोर्स एक्ट करना शुरू कर गया, मतलब ये तो सपोज कर ये F1 की वजह से कर रहा है ये वाला, ठीक है, कहीं से दूसरा फोर्स आ गया, वो भी क्या करने लगा बेटे? वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो गया, उसने भी क्या करना शुरू करवा दिया? इसको SHM करवाना शुरू कर दिया। तो सपोज कर वो फोर्स कितना था बेटे? F2 फोर्स था। क्या था वो? F2 फोर्स था, ठीक। तो F1 फोर्स की वजह से ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम आता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ही आती है। कोई दूसरा फोर्स आकर के इस पार्टिकल के ऊपर लग गया, वो भी उसको SHM करवाना शुरू कर दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आई वो ये वाली आ गई। अब मुझे क्या करना बेटे? मुझे पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिखना है। तो ऑब्वियसली बात है बेटे कि आपको मालूम है कि जो वाई नेट होगा, सपोज कर इसकी वजह से वो मैंने Y1 लिख दिया, इसकी वजह से कितना लिख दिया बेटे? Y2 लिख दिया। आपको मालूम है अगर आपका पार्टिकल ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? अगर पार्टिकल तेरा 3 मीटर आगे जा रहा है और -4 मीटर पीछे जा रहा है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना बना बेटे? वो बनेगा 3 - K4, यानी कितना आंसर आया? -1। तो तूने क्या करा? इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। क्या कर दिया बेटे? इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया, यानी कि Y1 प्लस में Y2 ऐसे कर दिया, ठीक है। करके देखते हैं कि क्या होगा। बेसिकली जो वाई नेट है ना, इस फोर्स के द्वारा पैदा की गई डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ये है, इस फोर्स के द्वारा पैदा की गई डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ये है। उन दोनों का जो सम आएगा, बेटे वो वाई नेट है। ये सिंगल पार्टिकल का वाई नेट है, इसी वाले पार्टिकल का वाई नेट है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। ध्यान से सुन, इसको मैं लिखूं बेटे कितना? A sin ω t प्लस ए, इसको बी मान लो, कोई बात नहीं, इसको एम्पलीट्यूड कितना मान लो? बी मान लो, ताकि अपने को क्लैरिफाई हो। B sin ω t प्लस में बेटे फाई, इस तरह से, ठीक है। हमने इसका एम्पलीट्यूड कितना मान लिया? स्मॉल बी मान लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। A sin ω t प्लस B sin A + B का फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटे, B में यहाँ पे आया sin ω t cos ϕ प्लस B cos ω t sin ϕ, यहाँ पे आ गया, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आ गया। अब ध्यान से सुन क्या बेटे, मुझे ना अगर मुझे जनरल इक्वेशन लिखनी है इस वाले पार्टिकल की, वाई नेट
वाई नेट इस वाले फोर्स की वजह से और इस वाले फोर्स की वजह से, ऑब्वियस ही बात है मेरा आंसर साइन के फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को साइन की फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करूँगा। कैसे लेकर के आने की कोशिश करूँगा बेटे, साइन की फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो साइन की फॉर्म में कैसे लेकर के आऊँगा, ध्यान से सुन, इसको मैं लिखूँगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी। मैंने क्या करा यहाँ से ना, साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटे, ध्यान से सुन, क्या कॉमन ले लिया यहाँ से, मैंने लिया है साइन ओमेगा टी कॉमन। कितना ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से। तो अंदर बचा a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस, ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटे, यहां से मैं ले रहा हूं b, b यहां पे आएगा साइन ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर इसको मुझे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना ना, तो मुझे मालूम है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। क्योंकि मुझे भाई साहब रिजल्ट जो चाहिए ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो मुझे रिजल्ट चाहने वाला है, जो रिजल्ट चाहने वाला है वो बेसिकली साइन की फॉर्म में आना चाहिए। अगर साइन की फॉर्म में नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा कि भाई साहब इस पार्टिकल की जो इक्वेशन आ रही है इस वाले फोर्स की वजह से और इस वाले फोर्स की वजह से वो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आ रही है। तो ये वाई नेट वो वाली है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा करने के लिए ना इस वाले टर्म को क्या पुट कर दिया, बेसिकली मैंने ए प्लस बी कोस ऑफ फाई को, ए प्लस बी कोस ऑफ फाई को मैंने कितना पुट कर दिया बेटे, मैंने पुट कर दिया उसको आर। आर देखो यहाँ पे कोस ओमेगा टी है, सॉरी यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो मुझे फॉर्मूला बनाना बेटे साइन ए कोस बी। तो इसको मैं क्या पुट करने वाला बेटे, आर इंटू आर इंटू आर इंटू कोस ऑफ थीटा, आर इंटू कोस ऑफ अल्फा मान लें, कितना मान लें, आर इंटू कोस ऑफ अल्फा मान लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली बेटे मुझे फॉर्मूला चाहिए कितना, साइन ए कोस कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा इस वाली टर्म को बेटे किसको, बी साइन ऑफ फाई को मैं कितना मान लूँगा बेटे, आर साइन ऑफ अल्फा मान लूँगा, कितना मान लूँगा, आर साइन ऑफ अल्फा। आप जैसे ही मानोगे तो ये टर्म आएगी आपके पास किसके बराबर, साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आया आर इंटू कोस ऑफ अल्फा प्लस आर इंटू साइन ऑफ अल्फा इंटू कोस ऑफ फाई, कोस ऑफ फाई बेटे, ठीक है जी, चलिए शाबाश, मजा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ आर जैसे ही कॉमन लूंगा तो आपके पास आएगा साइन ओमेगा टी कोस ऑफ अल्फा प्लस साइन साइन ऑफ अल्फा इंटू, यहाँ पे कोस ओमेगा टी आएगा ना, कोस ओमेगा टी आने वाला, सॉरी यहाँ पे कितना बेटे, कोस ऑफ ओमेगा टी आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो वाई नेट आने वाला है, वाई नेट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटे आर इंटू आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में अल्फा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, वाई इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में अल्फा के बराबर आएगा। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है बेटे। क्या ये हमारे पास दो SHM थी एक ही पार्टिकल की, उनको जब हमने कंबाइन करा ना तो मेरे पास जो वाई नेट आया वो किसके बराबर आया बेटे, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में अल्फा के बराबर आ गया, आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आर है क्या चीज़ है, आर क्या बेटे है क्या चीज़, ओके चलिए जी देखते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बेटे, इमेजिन कर कि मैंने ना ये जो वेक्टर वाला लिया ना, इस थीटा की जगह मैं फाई मान लेता हूँ, जस्ट समझाने के लिए, डोंट वरी, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको ना फाई मान लिया बेसिकली, तो थीटा की जगह बस फाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से, ठीक है। चलिए जी कैसे है, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया। अब देख बेटे मेरे पास जो वाई नेट आया वो ये वाला आया है, ओके। अब मुझे चाहिए आर, आर क्या हो सकता है, देखो मेरे पास साइन की फॉर्म तो आ चुकी है, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब मुझे मालूम करना है कि आर क्या है और अल्फा क्या है, क्लियर कट बात। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनिए बेटे कि मेरे पास ना, आप इसको उतारते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ इसको लिखते रहो क्योंकि हमारे काम का है, ये सेम चलने वाला है अल्टरनेटिंग करंट में और वेव ऑप्टिक्स जो आप करोगे सारा का सारा, उन दोनों में ये कॉमन टॉपिक है। अगर आपको ये आता है कॉम्बिनेशन ऑफ SHM तो आप अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्लियर है मेरी बात, ठीक है जी। तो शुरू में मैंने जो लिखा था पहली बार, जो वाई नेट लिखा था वो किसके बराबर लिखा था, वो लिखा था बेटे वाई वन प्लस में वाई टू,
इसके बराबर लिखा था वाई वन प्लस में वाई टू के बराबर, क्लियर है। ध्यान से सुन, इसको इक्वेशन नंबर ए मान ले, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले बेटे, बी मान ले, ए भी नहीं, इसको पी क्यों मान लो कोई दिक्कत, या इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ से। ध्यान से देख बेटे, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख, मुझे आर नहीं मालूम कि कितना रिजल्टेंट आ रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, वाई नेट के एम्पलीट्यूड को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वाई नेट के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो अल्फा रहा है, जो अल्फा रहा देखते कि वो क्या है, ध्यान से सुन, मुझे ना इन दोनों टर्मों से आर चाहिए, तो आर कैसे निकल सकते हैं, सोच के देख बेटे, कि अगर मैं इन दोनों टर्म का स्क्वेयर कर दूँ और दोनों क्या कर दूँ बेटे, ऐड कर दूँ, आप जैसे ही ऐड करोगे तो आर स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस आर स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर अल्फा, आर स्क्वेयर तो आएगा कॉमन, ठीक है, और कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा जो बनेगा वो बनेगा वन। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे आर निकालना है ना, तो आर कुछ ना कुछ इस वे से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए भाई, इन दोनों टर्मों को स्क्वेयर करो और फिर ऐड कर दो, आप जैसे ही ऐड करोगे तो आए बेटे आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ फाई का होल स्क्वेयर प्लस बी इंटू साइन ऑफ फाई का होल स्क्वेयर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आंसर आया आपके पास क्या, वाई बटे आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा होता है वन, तो यहाँ पे आया वो आर स्क्वेयर, कितना आ गया वो आर स्क्वेयर बराबर, इसको सोल्व करो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर फाई प्लस टू ए बी इंटू कोस ऑफ फाई प्लस इसका देख बी स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर फाई, क्लियर है, चलिए जी बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन बेटे, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई और क्या बेटे बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, बी स्क्वेयर कॉमन ले लो, कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाइव वो बनेगा वन, आपके पास जो आर स्क्वेयर आएगा वो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ फाइव, और जो आर आएगा वो किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। ध्यान से सुन, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, टू को वन से डिवाइड कर दो, जैसे आप टू को वन से डिवाइड करोगे तो आर आर कैंसिल कर देगा, तो साइन अल्फा बाय कोस अल्फा वो बनेगा बेटे टेंजेंट ऑफ अल्फा, कितना आने वाला है टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा है बेटे किसके बराबर, बी साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय में ए प्लस में बी इंटू में कोस ऑफ फाई। अरे ये जो रिजल्ट आ रहे हैं दोनों के दोनों, एक तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, कुछ कुछ ना मैच कर रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं बेटे, इन दोनों को देखने के बाद आपको वेक्टर दो वेक्टर के एडिशन का याद आया होगा कि किस तरह से मैंने दो वेक्टर के एडिशन याद करे थे। ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या, कि जो इनका जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है ना, दो SHM का नेट रिजल्टेंट जो आ रहा है बेटे दोनों की दोनों SHM का, वो कुछ कुछ किस तरह से आ रहा है बेटे, वेक्टर एडिशन की तरह आ रहा है, किसकी तरह आ रहा है बेटे, वेक्टर एडिशन की तरह। तो इस वाई नेट को यहां से मैं ये लिख सकता हूं, वाई नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर का वैल्यू कितना भाई साहब, वो है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी इंटू कोस ऑफ फाई है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इंटू साइन ऑफ चल रहा है ओमेगा टी प्लस अल्फा का वैल्यू कितना बेटे, अल्फा का वैल्यू इतना आएगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन फाई डिवाइडेड बाय में ए प्लस में बी कोस ऑफ फाई, क्लियर है मेरी बात, चलिए जी बहुत बढ़िया। मेरे पास जो शुरू में इक्वेशन था बेटे वो कुछ इस तरह से था, ध्यान से देख क्या था भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो आपके पास बेटे क्या था, इक्वेशन था वाई बराबर वाई, जो नेट लिखा था मैंने वाई नेट था वो वाई वन कितना था बेटे, वो था ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वाई टू कितना था भाई, बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाई, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आया मेरे पास वो इस फॉर्म का आया। अब ध्यान से सुनो बेटे मेरी बात, ध्यान से सुनो क्या, कि ये क्या इसका ये फेज़ है, ये क्या बेटे ये फेज़ है, अगर मैं इन दोनों का फेज़ डिफरेंस ले लूँ, क्या ले लूँ, फेज़ डिफरेंस ले लूँ, फेज़ डिफरेंस ले लूँ, तो फेज़ डिफरेंस कितना बेटे, वाएगा ओमेगा टी प्लस फाई माइनस के ओमेगा टी, मतलब इस वाले एंगल में से मैंने ये वाला एंगल घटा दिया, तो कितना आंसर आया तेरे पास, फाई आंसर आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया शाबाश। अब इमेजिन कर क्या, कि अगर मैं इनको वेक्टर तरीके से ट्रीट करना चालू कर दूं, मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है भाई साहब,
इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास क्या बेटे, एक वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना एक वेक्टर का, वो कितना भाई, वो ए है। कितना है? ए है, ए मैग्नीट्यूड है। दूसरा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, स्मॉल बी है। कितना भाई, स्मॉल बी है। उनके बीच का अगर एंगल मान लूँ मैं फाई, कितना मान लूँ बेटे मैं फाई, तो ध्यान से सुन, इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है ना वो कुछ ना कुछ इस फॉर्म का आने वाला है, ये वाला आने वाला है। तो बेसिकली जो तेरा कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है ना वो कुछ नहीं है, तुझे क्या करना है, दोनों SHM जो जिनको आप जोड़ रहे हो उनके एम्पलीट्यूड को आप एक वेक्टर मान लो और उसको ऐड कर दो। तो जो भी नेट रिजल्टेंट आएगा बेटे वो उनके वेक्टर सम के बराबर आएगा। तो बेसिकली बुक के अंदर भी यही लिखा होता है क्या, कि जो वाई नेट होता है ना कम्बिनेशन ऑफ SHM का, वो Y1 वेक्टर प्लस Y2 वेक्टर के बराबर होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। अरे भाई साहब ऐसे ही नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं ना मेरे पास, वो मेरे पास वेक्टर की फॉर्म में आ रहे हैं। जो आंसर आ रहे हैं मेरे पास वेक्टर की फॉर्म में आ रहे हैं, तभी मैंने इस चीज़ को लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुनिए बेटे, कि जो रिजल्टेंट आएगा वो आए बेटे कितना, उसका मैग्नीट्यूड आएगा आर, मतलब आर आएगा ना मैग्नीट्यूड खाली, और जो ये एंगल बनता है ये कितना आता है बेटे, अल्फा आता है। कितना आता है? अल्फा आता है। बेसिकली तुझे ना इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है बेसिकली, क्योंकि जो इनके रिजल्ट आते हैं, आर तेरे पास ये वाला था तो तेरे पास ये वाला आया था, आर आ रहा था ना, ये किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है इससे कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड बी है, उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो तुझे इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटे क्या, कि तुझे ए उसको लेना है जिसका फेज छोटा है। ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है तुझे उसको लेना है जिसका फेज छोटा है। तो फेज छोटा बेटे ओमेगा टी का है, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई है, तो फाई में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका फेज छोटा है, इसका फेज क्या बेटे बड़ा है। दूसरी टर्म तुझे ध्यान रखना है कि जो तेरा आंसर आएगा वो साइन की फॉर्म में आया था, तो जो तू आंसर निकालेगा वो हमेशा ही साइन की फॉर्म में ही आना चाहिए। क्लियर कट बात बेटे। तीसरा पॉइंट, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा मतलब नेट रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आएगा, ये वाला एम्पलीट्यूड आएगा, वो इनको आप वेक्टर मान लो और उसका फेज डिफरेंस निकाल लो, तो वो जो एंगल आएगा उन दोनों वेक्टर के बीच में क्या आ जाएगा बेटे, एंगल आ जाएगा। और आप क्या करो, जस्ट उसको वेक्टर तरीके से ट्रीट करके रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, अल्फा उसके साथ एंगल है बेटे जिसका फेज छोटा है, अल्फा उस वेक्टर के साथ एंगल है जिसका फेज छोटा है। देख फेज छोटा इसका बेटे, तो ए किसको माना जाएगा, इसको माना जाएगा। अब अगर मैं एग्जांपल करने की कोशिश करूँगा तो तेरे को एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे बेटे, ध्यान से सुन क्या है। क्या है भाई साहब, आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमेजिन कर कि तेरे पास ना वाई नेट निकालना बेटे, तेरे को दे रखा है 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में 30 प्लस 3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में 120। तो पहले तो ये चेक कर कि दोनों साइन की फॉर्म में है, बिल्कुल साइन फॉर्म में, बीच में प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन है। इनके बीच का ना तुझे निकालना बेटे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि इस वाली फॉर्म निकालना है। तो ये जो फॉर्म बनने वाली है वो ये वाली बनने वाली है। आर क्या बेटे, रिजल्टेंट है मतलब एम्पलीट्यूड है वाई नेट का, वो किसके बराबर है बेटे, आप क्या करो, इसको और इसको क्या मान लो, वेक्टर मान लो। उनके बीच का एंगल कितना लेना बेटे, उनके बीच का एंगल लेना इसका फेज डिफरेंस, सॉरी इसका फेज और इसका फेज, उन दोनों को डिफरेंट कर दो, मतलब डिफरेंस कर दो, जो भी आंसर आएगा इसके बीच में और इसके बीच में क्या आ जाएगा बेटे, एंगल आ जाएगा। तो फेज ना इसका बड़ा है, इसका क्या बेटे छोटा है, तो जिसका फेज छोटा होगा उसको आप यहाँ पे रखोगे नीचे की तरफ। कितना भाई साहब ये है 4, कितना भाई साहब ये 4 है, ऑब्वियस बात है बेटे, मतलब एक वेक्टर मान ले जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 4 है, होगा काम। दूसरा क्या बेटे, इनके बीच में कितना एंगल है, फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी प्लस 30, वो कितना आया आंसर, 90 आया। तो यानी कि यहाँ पे जो फाई आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, 90 आ रहा है। तो क्या कर बेटे, एक दूसरा वेक्टर मान ले जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई साहब, 90 डिग्री है। कितना एंगल है, 90 डिग्री है।
तो इसका एम्पलीट्यूड कितना बेटे? 3 है। अब तेरे लिए काम आसान है, तुझे तो क्या निकालना बेटे? आर निकालना। इसको किसकी तरह ट्रीट कर दे? वेक्टर की तरह। दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 4, एक का मैग्नीट्यूड 3, उनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, वो बनेगा अंडर रूट ऑफ a² + b². तो बेसिकली जो तेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा बेटे? जो आर का वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 4² + 3² किसके बराबर आ बेटे? 5। ठीक है, 5 आ गया। ओके जी, बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना बनता है? ये एंगल बना सपोज कर अल्फा, तो अल्फा अगर ये 3 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 3 है भाई। तो जो टेंजेंट ऑफ अल्फा आएगा वो आएगा 3/4। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आता कितना भाई? 37 डिग्री। कितना आता है? 37 डिग्री। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या कि ना कि मुझे वाई नेट लिखना है, तो वाई नेट किसके बराबर आना चाहिए? वाई नेट जो आएगा वो किसके बराबर आए बेटे? वो आएगा आर। आर कितना आपके पास? 5 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस। क्या मैं इसको, ये मेरे पास अल्फा आया तो मैं क्या डायरेक्टली लिख दूँ अल्फा? नहीं, अल्फा में बेटे मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा। ध्यान से सुन, आपने जब ऐड किया था ना, ये जो आंसर आया तेरे पास ना एक इक्वेशन थी वाई बराबर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में 5 था बेटे। ठीक है, ध्यान से सुन, तूने जो अल्फा ऐड किया है ना ये किस में किया है? छोटे वाले फेज में किया है। तो छोटे वाले का फेज कितना था बेटे? ओमेगा टी था। तो इस वाले क्वेश्चन में देख, छोटे वाला फेज कितना है? वो है ओमेगा टी प्लस 30, फिर उसमें तूने अल्फा ऐड करा। कितना ऐड करा बेटे? 37 डिग्री ऐड करा। क्लियर है? तो ये क्या आ गया बेटे? नेट इफेक्ट आ चुका है जो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM से आया है। होप आपको कि इस वाले फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या बेटे, हम दो SHM को आसानी से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बेसिकली वो एक तरह से वेक्टर एडिशन ही है एक तरह से। वो वाली कहानी से मुझे ये मालूम पड़ता है कि अगर आपको दो SHM कंबाइन करना है तो आप क्या करोगे? दोनों के एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर मान लोगे, उन दोनों के जो साइन ऑफ में फेज डिफरेंस है वो एंगल निकाल लोगे, वो जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में होगा, उसका रिजल्टेंट वगैरह, मतलब उसको वेक्टर तरीके से ट्रीट करके आंसर निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे कि वेव होता क्या है। ओके।